हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिंकी शर्मा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये साल टीज की क्या क्या तैयारी की है। सो दिस इज माय सेकंड टीज। फर्स्ट टीज शादी के बाद रखी थी, अब ये सेकंड है। और अब मेरे कास्ट में तीज नहीं रखते हैं, सो इसीलिए जस्ट शादी के बाद ही तीज रखना मैंने स्टार्ट किया था। कुछ लोग हैं जो शादी से पहले रख लेते हैं, बट मेरी कास्ट में हम करवा चौथ एक्चुअली मेन मानते हैं, बट मेरे हस्बैंड यूपी के हैं तो उनके कास्ट में तीज इम्पॉर्टेंट रहती है। सो वेल, आज मेरी तीज है और तीज पे मैं क्या क्या करने वाली हूँ, मोस्टली मैं ट्राई करूंगी कि जितना पूजा करूंगी वो टाइम का मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। सो अब मैं बताती हूँ कि मैंने तीज के लिए कौन सी साड़ी ली है। सो दिस इज माय साड़ी, ये मैंने उल्टी फोल्ड की थी। सो वेल, ये पल्लू आएगा और ये साड़ी है जो मैं तीज पर पहनने वाली हूँ। अगर आपको ये कलर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। सो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है तीज का साड़ी। सो ये मैंने लिया था। मैंने एक्चुअली कुछ ज्यादा सामान नहीं लिया है क्योंकि मैं ज्वेलरी में सिर्फ गोल्ड की पहनती हूँ, तो मैंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया है। सो दिस इज माय ब्लाउज और ये थोड़ा सा पैटर्न दिया था बैक साइड पे। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने अभी चूड़े बढ़ा दिए हैं, तो चूड़े की जगह पे मैंने अभी ये टाइम ये कांच की चूड़ी ली है। सो दिस आई एम गोइंग टू वेयर ऑन तीज। और मैंने एक पायल थी मेरे पास जो मैंने पहनी नहीं थी, सो मैंने सोचा तीज पे पहन लूं। सो दिस इज द पायल विच आई एम गोइंग टू वेयर। और अब इसमें जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में हमें कुछ 16 सिंगार चढ़ाना पड़ता है और 5 फ्रूट्स चढ़ाने पड़ते हैं जो हम पंडित जी को दान करते हैं दूसरे दिन। सो मुझे जहां तक इतना ही रिचुअल पता है, सो मैंने पिछली बार भी यही किया था, तो इस टाइम के लिए भी मैंने ये पूजा का सामान जो लिया है वो एक ब्लाउज पीस लिया है। देन ये एक पैकेट लिया है जिसके अंदर पूरा 16 सिंगार का सामान है ऑलमोस्ट, जिसमें मिरर है, चूड़ी है, इयररिंग्स है, ऑयल है, रबर बैंड है, फिर क्लिप है, मंगलसूत्र है, सिंदूर है, काजल है, यहाँ गले का है, चुनरी है और कंघी है। सो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। मैंने एक्स्ट्रा में एक बिंदी का पैकेट भी लिया है और एक मेहंदी ली है। ये एक ओटी भरने का सामान रहता है ये लिया है। ये सिंदूर की डिब्बी ली है क्योंकि मेरे हस्बैंड के कास्ट में ये सिंदूर लगाते हैं, बट मैं ऑलवेज रेड सिंदूर प्रेफर करती हूँ, तो बिकॉज मेरी शादी में मैंने रेड लगाया था तो मैं रेड ही लगाती हूँ। बट जिस दिन व्रत रहता है, तीज रहती है या कोई मैं व्रत रखती हूँ जैसे श्रावण सोमवार ऐसे हो गए, तो मैं ये वाला सिंदूर लगाती हूँ, तो मैंने ये लिया है। और एक नेल पेंट ली है ये वाली। सो ये सब चीजें मैंने अभी ली है। अभी ये सारी चीजें पूजा के लिए ली है और 5 फ्रूट्स लिए। वो फ्रूट्स मैंने अलग रखे हैं तो अभी मैं वो नहीं कवर कर पाऊंगी। वेल, अगर आप मेरा तीज का व्लॉग देखोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या चढ़ाया और मैंने पूजा कैसे की है। सो मैं ट्राई करूंगी कि तीज का व्लॉग भी मैं शूट कर पाऊँ। सो वेल, ये तो मेरी तैयारी थी तीज के लिए। आपकी तैयारी क्या क्या हुई है और आपकी तीज कैसे जाने वाली है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।